नमस्कार, ऐसे सुविधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवकुमार तिवारी। इस समय आपको सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज मुनि जयकुमार का मंगल आगमन हो रहा है। उनका सुजानगढ़ में चातुर्मासा होने वाला है और ओसवाल समाज के द्वारा उनका सुजानगढ़ आगमन पर भव्य स्वागत सम्मान किया जा रहा है और उनको जुलूस के रूप में यहाँ से ठिकाने पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर चातुर्मासा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ओसवाल समाज के तमाम सामाजिक संगठन और तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं। विद्यालय की छात्र छात्रा उपस्थित हैं, जो कि इस शोभा यात्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूरे सुजानगढ़ में इस समय हम कंचन देव जी पिंचा के निवास स्थान का दृश्य दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप सर्किल से जुलूस रवाना होगा, जो कि पेट्रोल पंप सर्किल से रवाना होकर वेंकटेश्वर मंदिर शास्त्री प्याऊ होते हुए तेरापंथ भवन पहुँचेंगे, जहाँ पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ में आज आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि श्री जयकुमार जी का चातुर्मासा के उपलक्ष्य में उनका मंगल प्रवेश हो रहा है और इसके लिए यहाँ से जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी। विद्यालय की छात्राओं ने तख्तियाँ ले रखी है, जिनमें वो विचार है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जिनमें जो बुराई हैं उनको टागने का भी संकल्प है। इस समय आप बलिष्ठ भवन का दृश्य देख रहे हैं, जो कि कंचन देव जी पिता का निवास स्थान है और यहाँ मुनि जयकुमार पहुँच चुके हैं। अभी वो सुजानगढ़ पहुँचने के बाद उनको गाजे बाजे से ले जाया जाएगा जुलूस के रूप में। तेरा पंथ महिला मंडल, तेरा पंथ कन्या मंडल सभी तैयारियों में जुटे हैं जुलूस की। समाजताला संचालित विद्यालय की छात्र छात्राएं भी इसमें भाग ले रही है, जैसे ज्ञानशाला जैन श्वेतंबर तेरा पंथ सभा द्वारा संचालित है। तेरा पंथ युवक मंडल भी आप देख रहे हैं तैयारियों में जुटा है। अध्यक्ष अजय चोरडिया अपनी टीम के साथ सभी लोग आप देख रहे हैं मुनि जयकुमार जी के स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हैं। आज आपका सुजानगढ़ में पवन मंगल प्रवेश हुआ है चातुर्मासा के लिए। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, मुनि जयकुमार का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हुआ है चातुर्मासा के लिए और इसी की शोभा यात्रा निकल रही है। तेरापंथ कन्या मंडल की सदस्य भी शोभा यात्रा में चल रही है और ये तेरापंथ महिला मंडल, जिनका हर कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये मुनि जयकुमार जिनके मंगल प्रवेश पर ये शोभा यात्रा निकल रही है। सुजानगढ़ का नज़ारा आप देख रहे हैं, जुलूस इस समय सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने से निकल रहा है। आज मुनि जयकुमार जी का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हो रहा है, जो कि आचार्य महाश्रवण जी के सुशिष्य हैं और वो सुजानगढ़ में चातुर्मासा कर रहे हैं। इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज, ओसवाल समाज के लोग यहाँ पर जुलूस में शामिल हो रहे हैं। कंचन देव जी पिता के निवास स्थान से जुलूस रवाना हुआ है और इस समय रेलवे स्टेशन वेंकटेश्वर मंदिर शास्त्री प्याऊ होते तेरापंथ भवन पहुँचेंगे, जहाँ पर अनेक कार्यक्रम चातुर्मासा के दौरान आयोजित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुलूस के साथ चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन के सामने से जुलूस निकल रहा है, आगे ध्वजा चल रही है। तेरा पंथ की
अनेक विद्यालय के बच्चे जुलूस में चल रहे हैं। मुनि जय कुमार जी के हम दर्शन कर रहे हैं। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। सभी स्वागत करें वेंकटेश्वर मंदिर के सामने, आशीर्वाद ले रहे हैं। मुनि जय कुमार जी का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश आप देख रहे हैं। आपका चातुर्मासा सुजानगढ़ होने वाला है और वेंकटेश्वर मंदिर के सामने इस समय आप पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सी आर सेठिया और डॉक्टर मधु जैन स्वागत कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। स्टेशन रोड पर इस समय जुलूस चल रहा है। आचार्य महाश्रवण के सुशिष्य मुनि जय कुमार का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हो रहा है चातुर्मासा के लिए, उसकी शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। RDS पब्लिक स्कूल के सामने से जुलूस निकल रहा है। तेरा पंथ महिला मंडल की सदस्य नारे लगा रही है। मुनि जय कुमार का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश जुलूस है और मुनि जय कुमार जी को आप देख रहे हैं।
सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। आचार्य महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि जय कुमार का सुजानगढ़ में आज मंगल आगमन हो रहा है और मुनि श्री के स्वागत में आप देख रहे हैं पूरा सुजानगढ़ उमड़ पड़ा है। संपूर्ण ओसवाल समाज की तमाम जो तेरा पंथ महिला मंडल, तेरा पंथ युग मंडल, तेरा पंथ महासभा, सभी के सदस्य इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं और शास्त्री प्याऊ के पास इस समय जुलूस पहुँच चुका है। स्टेशन रोड का दृश्य आप देख रहे हैं। जैन मुनि जय कुमार जी का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश जुलूस आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा शोभा यात्रा का आप देख रहे हैं। जैन मुनि जय कुमार जी का सुजानगढ़ मंगल प्रवेश जुलूस का नज़ारा है ये। शास्त्री प्याऊ के पास से निकल रही है जहाँ तेरा पंथ भवन भी है। मुनि जय कुमार जी के आप दर्शन कर रहे हैं। आचार्य महाश्रवण के सुशिष्य जिनका सुजानगढ़ में चातुर्मासा हो रहा है और इसी का मंगल प्रवेश आज मुनि श्री का हुआ है सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड पर समय जुलूस पहुंच चुका है। आचार्य महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि जय कुमार जी का सुजानगढ़ में आप देख रहे हैं मंगल प्रवेश हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त उनके साथ चल रहे हैं और निश्चित रूप से मानव जीवन को सुधारने वाले संदेश लेकर इस तरह के मुनि हर नगर में जाते हैं और जहाँ पर निश्चित रूप से लोग सुशासित होते हैं, लोगों का चरित्र सुधरता है, लोगों के मन में एक चेतना पैदा होती है, इस तरह के संदेश लेकर ये मुनि नगर नगर में चातुर्मास करते हैं और सुजानगढ़ में आपका चातुर्मास होने वाला है और इसको लेकर आज जय कुमार मुनि जी का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हुआ है जिसका जुलूस आप देख रहे हैं। घंटाघर के पास जुलूस पहुँच रहा है। घंटाघर के पास जुलूस पहुंच रहा है।
संयम ही जीवन है, ये नारे लगाए जा रहे हैं। तख्तियों पर बहुत सारे नारे हैं जो जीवन को सुधार सकते हैं। मुनि जय कुमार के दर्शन आप कर रहे हैं। मुनि जय कुमार जी का आज सुजानगढ़ मंगल प्रवेश हुआ है चातुर्मासा के लिए। गांधी चौक जुलूस पहुंच रहा है। गांधी जी ने भी अहिंसा का ही संदेश दिया था, जिस तरह से भगवान महावीर ने दिया था। नन्हे मुन्ने बच्चे नारे लगाते हुए चल रहे हैं। श्रद्धा के साथ सभी जुलूस में चल रहे हैं। पेट्रोल पंप सर्किल के पास से जुलूस रवाना हुआ था, जो गांधी चौक पहुंच चुका है। मुनि जय कुमार जी के सम्मान में सभी इकट्ठे हुए हैं, उनके स्वागत में, उनके मंगल आगमन अवसर पर। ये दस्तानी भवन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर अभी मुनि जय कुमार जी प्रवेश करेंगे। पूरा नगर पालिका अध्यक्ष ब्रह्मकाजी शर्मा अपने साथियों के साथ मुनि का स्वागत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पंडित सोमदत्त जी शास्त्री भी दस्तानी भवन में साधियों के दर्शन कर रहे हैं मुनि जय कुमार। यहाँ पे संतों का ठिकाना है, जहाँ पर मुनि जय कुमार पहुँचे हैं। ये स्थान अब साधुओं का ठिकाना है, जहाँ पर मुनि जय कुमार जी पहुँचे हैं। साधु धनश्री जी स्वागत कर रही है मंगल पाठ से। इस समय मुनि जय कुमार जी दस्तानी भवन पहुंचे हैं, जहां पर मैं बताना चाहूंगा साधुओं का ठिकाना है।
हमेशा चतुर्मासा इसी स्थान पर होता है, लेकिन इस बार तेरापंथ भवन जो कि बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर आयोजित हो रहा है। और मुनि जय कुमार जी तेरापंथ भवन पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले वो दशहरी भवन पहुँचे हैं, जहाँ पर जितने भी साध्य हैं वो उनका मंगल पाठ से स्वागत और सम्मान कर रही है। हम सभा के अध्यक्ष पृथ्वीराज जी बापना जी यहाँ पर पहुँचे हैं इस अवसर पर। नगर पर सुजानगढ़ के सभापति शिखर निखिल जी भी स्वागत में पहुँचे हैं, मोहन जी चित्तांगे अभी। समाज सेवी गिरधर जी काबरा भी जो उसमें शामिल है, और इस समय सभी प्रस्थानिक भवन में पुलिस के साथ पहुंचे हैं। आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य हैं मुनि जय कुमार जी, जो सुजानगढ़ में चतुर्मासा करेंगे। स्वाद समाज की तंग गलियों से होकर जुलूस निकल रहा है। इस समय हम तेरापंथ भवन पहुंच चुके हैं, जहां पर मुनि श्री जय कुमार जी का चतुर्मासा होगा। निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, मुनि जय कुमार जी का आज चतुर्मासा के लिए सुजानगढ़ के मंगल प्रवेश हुआ, कंचन देव जी पिंचा के निवास स्थान से बना हुआ, वेंकटेश्वर मंदिर, शास्त्री प्याऊ, घंटाघर, गांधी चौक होते हुए दशहरी भवन पहुंचे। दशहरी भवन में साधियों के द्वारा उनका सम्मान किया गया, और अब मुनि श्री पूरे जुलूस के साथ सैकड़ों लोगों के साथ तेरापंथ भवन पहुंच रहे, जहाँ पर उनका स्वागत सम्मान होगा। सभी संतन जो स्वाद समाज के, वो सभी उनका स्वागत करेंगे। उनके दोनों आप दिख रहे हैं, सभी भक्त खड़े हैं और मुनि श्री का स्वागत कर रहे हैं। मुनि श्री का आगमन हो रहा है। तेरापंथ भवन में प्रवेश कर रहे हैं मुनि श्री, आप दिख रहे हैं। मंत्रोच्चारण और गुरुदेव को नमन करते हुए पहला कदम रखेंगे, अभी द्वार के बाहर खड़े हैं। तेरापंथ भवन के प्रवेश द्वार के बाहर इस समय मुनि श्री खड़े हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, गुरुदेव को याद कर रहे हैं, और उनका मंगल प्रवेश यानी मंगल कदम इस तेरापंथ भवन में रखा जाएगा। कुछ महीनों तक यहाँ पर आवास करेंगे, यहाँ पर भक्तों को प्रवचन देंगे, सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज और अन्य समाज के लोगों ने मुनि श्री का सुजानगढ़ मंगल प्रवेश पर स्वागत किया है, और वो तेरापंथ भवन प्रवेश कर रहे हैं। मुनि जय कुमार जी अपने इष्ट को याद कर रहे हैं सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में प्रवेश करने से पहले। उद्बल जी को भी आप देख रहे हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं तेरापंथ समाज के। तोरणा भी पहुंचे हैं छापर से स्वागत में।
सभी 13 पंथ भवन में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में नर नारी पहुंचे हैं मुनिश्री के स्वागत में। भारी भीड़ 13 पंथ भवन में आप देख रहे हैं मुनिश्री के स्वागत सम्मान में। सभी संतों ने स्वागत किया है। यह था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज जैन मुनि जय कुमार जी का सुजानगढ़ में चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश हुआ, मंगल आगमन हुआ, जिसमें ओलसवा समाज के सैकड़ों नर नारियों ने उनका स्वागत किया, जुलूस निकाला गया। कंचन देवी जी पिंचा के निवास स्थान से रवाना होकर वेंकटेश्वर मंदिर, शास्त्री प्याऊ, घंटाघर, गांधी चौक और दस्तानी भवन होते हुए 13 पंथ भवन पर जुलूस पहुँच चुका है, जहाँ पर मुनिश्री का यहाँ पर चातुर्मास होने वाला है। निश्चित रूप से ओसवाल समाज, जैन समाज जो अहिंसा का संदेश सबको देता है, जीवन को सुंदर ढंग से किस तरह से चलाया जा सकता है, यह संदेश देता है, और उसी संदेश के साथ मुनि जय कुमार जी का सुजानगढ़ में आगमन हुआ है। और इस कार्यक्रम के लिए मुझे निर्मल जी कोठारी, जो कि युवा समाज से भी है और अनवर समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इन्वाइट किया गया और ये सुंदर कार्यक्रम हमने आप तक पहुँचाया। ऐसे सुधागिला, मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी हरि सिंह जी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।